हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आपको मेरी जय जिनेन और नमस्ते। और बताइए, आज सुबह मेरे को काम बहुत था तो मैंने आज तो मिक्स वेज बनाई थी और थोड़े काले चने बनाए थे क्योंकि सब्जी अभी मेरी ज़्यादातर ख़त्म हो रही थी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी मार्केट जाके, अपने बड़े बेटे के साथ जाके मार्केट थोड़ी सब्जी लेके आऊँ क्योंकि सब्जी बिल्कुल भी नहीं है घर में। और ज़्यादा ला के रखो सब्जी तो फ्रिज में थोड़ा, फ्रिज में भी रखी रखी सब्जियाँ ख़राब हो जाती है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम सब, आप भी मेरे साथ मार्केट चलिए और मैं थोड़ी सब्जी वगैरह लेके आऊँगी, तो चलते हैं। उससे पहले मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ पहले। और आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए आज के दिन। और चलिए हम सब मार्केट चलते हैं। मार्केट आई हूँ सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो सोचा कि हस्बैंड के ऑफिस भी वो चलूं। जरा हमारी वो छत वगैरह भी थोड़ी ऐसी हो रही थी, गंदी वगैरह देखना है उसको थोड़ा। बारिश के दिनों में पानी रुक जाता है, तो आओ देखती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। आओ, छत पे आई हूँ तो ये छोटे छोटे पौधे हो गए हैं। इसमें देखो बहुत छोटी छोटी तुलसा जी भी आ गई हैं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रही होंगी, बहुत छोटी छोटी तुलसा जी हैं। और पौधे कुछ अलग अलग तरीके के आ गए हैं, कुछ घासें वगैरह सी हैं। सारी छत ऐसी हो रही है। बीच में एक तो केबल वाले ने तार भी हमारे उसमें लंबे लंबे तार से खींच दिए हैं और इससे ना निकलने बढ़ने में कितनी दिक्कत आ रही है। अगर हम रात को भी बाई चांस कभी आने लगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। बराबर में केबल वाला है इसलिए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ जरा अपनी नाली के पास को। जैसे बारिश आती है तो पानी जमा हो जाता है तो हमें दिक्कत होती है, इसलिए मैं छत पर सोचा कि थोड़ा चेक कर आऊँ। दोनों साइड की साइड नाली होती तो मैं क्या करती हूँ, ये देखो तार कैसे हो रहे हैं। तार ऐसे लंबे लंबे तार खींच रखे हैं इस केबल वाले ने कि हमें इतनी दिक्कत हो रही है। दोनों साइड की नाली चेक कर लेती हूँ एक बार, तार वगैरह ईंट वगैरह एक बार देख लेती हूँ इधर से उधर, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई, अगर इस टाइम मुझे कुछ प्रॉब्लम सी दिखेगी ऊपर भी, जैसे देखिए ऊपर तक तार इसने ऐसे लंबा सा ले रखा है। हमारी देखिए बाहर से देखे गलिए कैसे दिखती है, ऐसे लंबे लंबे तार बाहर से लेगा तो बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन ये है कि इसने हमारी छत के ऊपर से ही इसने तारों को ले रखा है। और क्या कहते हैं, इसकी वजह से इतनी एक तो दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, सीलन सी भी बहुत आ रही है ज़्यादा ही छत पे। नहीं आटे के लिए, नहीं आटे वाली, ईट ब्रेड आटे वाली बहुत बढ़िया ब्रेड है, आटे वाली कौन सी ले लो, हाँ ले लो ये वाली ले लो, ये दे दो। सामान ले लिया है, ज़्यादातर ब्रेड ले लिए, सब्जी ले लिए। मेरी ट्यूबलाइट भी ख़राब हो रही थी तो ट्यूबलाइट भी ले लिए। मैं घर के पास आ चुकी हूँ बिल्कुल अपने। ये बीच में ऐसे लोग, किसी के घर का काम चल रहा है तो ये बीच में सरिये से पड़े हुए हैं, तो थोड़ा मैं अगर आपसे बात करते करते ऊपर को देखूंगी तो धड़ाम से नहीं गिर पड़ूंगी, इसलिए मैं नीचे देख के निकली थी। ये देखिए हमारा मार्केट देखिए कैसी, मुझे ये सूट की शॉप है। मैंने सोचा चल थोड़े कुर्ते वगैरह देखूँ, इसका कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। कुर्ती वगैरह पूछ रही हूँ मैं, रेट वगैरह इसके अच्छी लग रही है इसकी कुर्ती वगैरह। कुर्ती का कलर भी बहुत अच्छा, लेकिन उसमें मुझे एक कलर चाहिए था, इसके पास वो कलर था ही नहीं। बोला कि जो इसके ऑनर थे वो कहीं गए हुए थे, बोले जब वो आएंगे तब वो, ये दरअसल शॉप ना हमारे घर के नीचे ही है। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, उसका कलर मुझे मिला नहीं क्योंकि वैसा सेम कलर था ही मेरा। और दूसरी कुर्ती में भी कलर इसके पास अच्छी थी लेकिन उसके रेट उसको पता नहीं था, कह रहा ऑनर आ जाएंगे तो आप ऊपर ही रहते हो तो मैं आपको बता दूंगा। इसके पैलर वगैरह भी बहुत अच्छे डिजाइन वगैरह थे कि बेटी के पास थोड़े ख़त्म हो रहे हैं कलर वगैरह। इसका ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल है, काफी कुर्तों के साथ चल जाएगा, ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक कुर्ती वगैरह मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ, ट्यूबलाइट वगैरह लेके आई हूँ, एक तो ब्रेड ले आई हूँ और थोड़ी सब्जी वगैरह ले आई हूँ। कुर्ते वगैरह देखे हैं तो वो उसका ऑनर था नहीं, कहीं गया हुआ था, पसंद करके रख के आई हूँ, बाद में देखती हूँ। प्लाजो वगैरह देखा था आपने कैसे कलर थे, प्लाजो के कलर वगैरह भी आपने देखे थे कैसे कलर्स वगैरह थे सारे, वो कलर भी वगैरह देखे मैंने। मैं घर के नीचे आ चुकी हूँ अपने, इसलिए हटाया मैंने ये, नहीं तो मेरे पूरे रास्ते लगा हुआ था। घर के नीचे आ चुकी, अब घर में जा रही हूँ मैं अपने। गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मार्केट में बहुत गर्मी है। अब आके दिखती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ मैं फ्रेंड्स।
सामान वगैरह जो कुछ भी है दिखाती हूँ मैं आपको, मैं क्या क्या लेके आई हूँ, काफ़ी सामान वगैरह, काफ़ी शॉपिंग वगैरह, सब्जी वगैरह भी मिल गई जो मेरी ख़त्म हो रही थी, और फ्रूट्स लिए हैं थोड़े से, फ्रूट्स भी लिए मैंने, और ट्यूबलाइट मेरी दो ख़राब हो गई थी वो लेके आई हूँ, ब्रेड ख़त्म हो रही थी ब्रेड लेके आई हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बीन्स लेके आई, भिंडी लाई, टमाटर लाई, कुछ फ्रूट्स भी लाई, ये खीरे लाई, और क्या कहते हैं कचरी है जो मैंने काट ली थी, लाके साफ़ कर ली थी, तो मैंने सोचा चलो अब हाथ किया थी इसको चौकी लेती हूँ, क्योंकि सवेरे आजकल आपको पता है कनागत के दिन चल रहे हैं, तो पितरदेव के नाम की हमारे यहाँ पे दो रोटी रोज की निकलती हैं गऊ के नाम की, तो मैं निकाल दी, तो उनकी जो पसंद, हमारे जो पितरों को जो पसंद होता है मैं वही चीज़ें बनाती हूँ। हमारे यहाँ पे कचरी की लौंजी बहुत पसंद की जाती है, हरी हरी छोटी छोटी आती है, आपने मार्केट में देखी होंगी, तो वो थोड़ी अच्छी बनती है, उनको जब बनाओ तो मतलब खटमिट्टी सी बनती हैं, उनमें खटाई डालने की जरूरत नहीं होती उसको, बस खाली आपको ये है कि वो कड़वी निकलती हैं बहुत ज़्यादा, जो टाइट टाइट होती हैं, हरी हरी होती हैं, इनको ना दरअसल चक चक के काटना पड़ता है, नहीं तो उसके बीच में अगर कोई कड़वी आ गई ना तो बिल्कुल एक मतलब सारी लौंजी का स्वाद ही बेस्वाद हो जाएगा। तो मैंने इनको काट के दो दो भागों में काट लिया है, इनको लौंजियों को अच्छी तरह साफ़ करके कचरी को, अब मैं आपको बताती हूँ, तेल चढ़ा दिया है मैंने इसके अंदर, तेल थोड़ा गर्म होगा जब तक मैं थोड़ी लौंजी वगैरह मसाले वगैरह देख लेती हूँ मुझे क्या क्या मसाले घेरने हैं इसमें। इसमें सारे ही मसाले घिरते हैं, जैसे आपने मेरी पिछली बार भी देखा था, मैंने अमरूद की लौंजी बनाई थी, अमरूद की लौंजी आपने बना के ज़रूर देखी होगी, खाने में बहुत टेस्टी होती है, कचरी की लौंजी भी बहुत अच्छी बनती है, आप इसको कैसे भी खा सकते हैं, खाने में बहुत अच्छी रहती है, वैसे भी फ़ायदेमंद रहती है शरीर के लिए, आपको पता ही है कचरी पाचन के लिए कितनी अच्छी रहती है, पेट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। कचरी की लौंजी मैंने छौंक दी है, इसमें सारे मसाले घेर दिए मैंने, बस इसमें ना मीठा नहीं गिरता है, जैसे आपने देखा था अमरूद की लौंजी में मीठा गिरा था, इसमें मीठा नहीं गिरता है, और मैंने सारे मसाले घेर दिए हैं, मार्केट भी आई हूँ, अब मेरे को सब्जियों की भी टेंशन ख़त्म हो गई है, नहीं तो यूँ लग रहा था कि सब्ज़ी ख़त्म हो गई है, सब्जी लानी है, और काफ़ी चीज़ें फ्रूट्स वगैरह भी थोड़े लिए आई हूँ कि ज़रूरत पड़ती रहती है, बच्चे वगैरह खाते हैं, वैसे तो आजकल फ्रूट्स वगैरह कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे, मैंने सोचा था मौसमी वगैरह मिल जाएगी तो मौसमी भी ले आऊँगी, लेकिन मुझे मौसमी मिली नहीं, इसलिए मैं अब ये जो चीज़ें मिली मैं ले आई मार्केट से, आगे जाने की भी सोच रही थी, तो फिर मेरे बेटे का फ़ोन आ गया था, उसकी क्लास वगैरह की वजह से कोई कॉपी वगैरह उसे मिल नहीं रही थी, तो मैं इसलिए जल्दी आ गई थी थोड़ा घर पे, और अब मेरी ये कचरी की लौंजी भी मेरे ख्याल से लगभग बन के तैयार हो ही गई है, मैं आपको दिखाऊंगी, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है बन के, और आप कभी बनाओगे भी ना तो आपको भी अच्छी लगेगी, आप ज़रूर बनाना इसको, कैसी बनी है ये भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और आपको ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, मतलब अच्छी बनती है, आपका भी बनाना है। फ्रेंड्स, हम मार्केट से होके आ गए हैं, आपने देखा मैं सब्जी वगैरह लाई हूँ, कुछ फ्रूट्स लाई हूँ, मेरी ट्यूबलाइट भी थोड़ी ख़राब, दो ख़राब हो गई थी तो उनको भी लेके आई हूँ, ब्रेड भी ख़त्म हो रही थी, ब्रेड भी लेके आई हूँ मैं, और मार्केट्स में बाहर निकलो तो बिना मास्क के आपको पता है निकल ही नहीं सकते, और उसको मास्क लगाने के बाद बहुत गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी लगाना ज़रूरी है हमारी सेफ्टी के लिए। अपनी छत पे भी उधर गई थी ऑफिस के, तो देखा आपने उधर कैसे तार वगैरह हो रहे थे बीच बीच में, फिर उनको भी सही उधर से निकलने मरने में दिक्कत आ रही थी, और साइड में आपने देखा यहाँ तुलसा जी वगैरह हो गई थी हमारे, थोड़ा इसलिए चेक करके आई थी छत को कि बारिश के दिनों में थोड़ी बारिश के दिन में थोड़ी छत पे प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको थोड़ी ईंट वगैरह, जैसे छोटी छोटी ईंटें वगैरह अड़ जाती है नालियों में आके, तो उसको थोड़ा हटा के आई थी,
तो और सूट वगैरह देखे आपने, मैंने मुझे कुछ पसंद आए थे, लेकिन वो जो उसका ऑनर था तो वो दूसरा लड़का उसके रेट बता नहीं पा रहा था, वो हमारे घर के थोड़ी सी दूरी पे ही उसकी शॉप है, तो मैं उसको कह के आई थी ठीक है जब वो अगली बार भैया आ जाए तो मैं सूट वगैरह लेके जाऊंगी, कलर्स अच्छे थे, अगली बार जब मैं सूट वगैरह लेने जाऊंगी तो आप लोग मेरे संग ज़रूर चलना। और फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट्स देना, और इसके साथ ही आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय जिनेंद्र।